विदेश यात्रा पर गए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर गलत टिप्पणियां की हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राहुल गांधी को चीन का ब्रांड एम्बेसडर बताया है, तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट हो गई है। सर, मेरे सामने राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की और सभी को जैसे पहले से सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वर्तमान समय दुनिया हमसे हमारी नेतृत्व से अपेक्षा करती है। दुनिया अगर शांति संभव है, क्या यूक्रेन युद्ध से लेकर के रूस तक की जो बात है उसमें भारत के प्रधानमंत्री से दुनिया के अन्य देशों के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं, ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जींस हैं वो जा रहे हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं, चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं, जैसे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिग्विजय सिंह भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही चीन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राहुल गांधी भूमिका निभाते हैं। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है। और वैसे भी राहुल गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो रात के अंधेरे में चाइना के साथ मिलते हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में जो संस्थाएं लगी हैं, जो ट्रस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन देशों का पैसा आता है। मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को पकड़।